तो और मेरे भाई यू क्या हाल चाल हैं यार। तो यार आ चुके और न्यू वीडियो के साथ वापस। और यार आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 13 वर्सेस पिक्सल 6 प्रो। और भाई ये वाला कंपैरिजन इसलिए बनता है क्योंकि यार मैंने पूछा था कि पिक्सल 6 प्रो का कंपैरिजन किस किस फोन के साथ देखना चाहते हो, तो भाई बंदे बोल रहे कि 13 प्रो मैक्स के साथ लेके आओ। तो 13 प्रो मैक्स तो ये रहा, और भाई जो इसका प्राइस है ना वो आईफोन 13 से भी मैच हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें आईफोन 13 भी डाल दिया जाए और इसको एक्सट्रीम पबजी टेस्ट कर दिया जाए। और भाई आज फिर से इंट्रो इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है, बाकी ज़्यादा टाइम में बात नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये वाली जो वीडियो ना इस पे 10,000 लाइक का हम टारगेट रख रहे हैं, और भाई अपने चैनल के ऊपर ना भी 1,48,000 सब्सक्राइबर है, तो भाई इस वाली वीडियो के बाद 1,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो भाई। बाकी भाई ये वाले जो कवर मैं यूज कर रहा हूँ ना ये रिंकी का कवर है, काफी सारे बंदों ने मेरे को पूछा था भाई रिसेंट वीडियोज में, तो इसके अंदर ना ये ऐसे डोरी वोरी भी होती है और ड्रॉप टेस्टेड वाले कवर है, तो अगर आप ऐसे फोन वोन लेके जा रहे हो और अगर आपके हाथ से फोन छूट जाए तो ऐसे ही मस्त लटक जाता है, तो काफी ज्यादा सही है भाई। अगर भाई आप भी इनको परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो तो जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी कवर वगैरह हम उतार लेते हैं, उतार लिए भाई। तो भाई अभी ना ज्यादा स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेनली अभी आपको प्रोसेसर बता देता हूँ। जो अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स और 13 है ना इन दोनों के अंदर एप्पल का A15 वाला चिपसेट है, बाकी अपना जो गूगल पिक्सल 6 प्रो है इसके अंदर गूगल का अपना खुद अभी कस्टम वाला चिपसेट देखने को मिलता है टेंसर चिप, तो उसको भी एक बार हम टेस्ट कर लेंगे कैसा है। बाकी एक बार हम टेस्ट कर चुके हैं वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो चाहो तो। और भाई जो अपना पिक्सल 6 प्रो है ना अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा कम चांस है देखने को मिलेगा, ये बाहर से मैंने इम्पोर्ट करा था इसको स्पेशली भाई। बाकी अपना जो टेस्ट है ना इसके अंदर हमने सभी की ब्राइटनेस और वॉल्यूम को फुल करा हुआ है, और सभी को सेम वाईफाई नेटवर्क मैंने कनेक्ट करा हुआ है, सभी को सिमिलर बैटरी मैंने चार्ज करी हुई है 87 87 और 87, 1% डाउन हो गया है बट थोड़ा बहुत फर्क चलता है। अभी सब में एक साथ गेम को हम चालू करके देखते हैं कि कौन से फोन में गेम पहले चालू होती है। द 3 2 1 एंड गो। तो भाई टेंसर चिप काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और अपना आईफोन और इनमें सब में एक साथ ही गेम खुला है ऑलमोस्ट, बाकी 13 प्रो मैक्स और पिक्सल 6 प्रो में तो एकदम सेम टाइम पे गेम खुला है, आईफोन 13 में हल्का सा लेट था। बाकी यार सभी की ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ही ऑप्शन इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है, और बाकी बैलेंस पे भी एक्सट्रीम है, HD पे भी एक्सट्रीम है, HDR पे भी एक्सट्रीम है और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा तक ये जाता है। इसमें भी सेम सेटिंग आपको देखने को मिलती है, आईफोन 13 और 13 प्रो मैक्स दोनों सेम है। और इसकी बात करें तो ये बैलेंस पे आते ही ना अल्ट्रा हो जाता है, टेंसर चिप है अपना, और HD अल्ट्रा HDR अल्ट्रा ये इसकी मैक्स सेटिंग देखने को मिलती है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी थोड़ा सा न्यू प्रोसेसर है, थोड़ा सा उस वजह से कम ऑप्टिमाइज हो सकता है, बाकी अपडेट अपडेट के थ्रू हो सकता है कि ग्राफिक सेटिंग्स में इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिले, बाकी प्रोसेसर ना काफ़ी ज़्यादा केपेबल है वैसे। बाकी अभी सभी को हम सबकी स्मूथ सेटिंग के ऊपर रखने वाले हैं और एक एक करके मैच ट्राई करते हैं सभी के अंदर। तो भाई अपना जो सबसे पहला मैच है वो करने वाले आईफोन 13 के अंदर, TDM से हम स्टार्ट करते हैं, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग अभी हमने रखी हुई है। तो ये पहला मैच तो हमारा कंप्लीट हो गया आईफोन 13 के अंदर विदाउट एनी सिंगल फ्रेम ड्रॉप्स, और इस बार तो इसने ब्राइटनेस वगैरह भी ड्रॉप नहीं करी, फुल ब्राइटनेस पे ये ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, बट अभी तक तो काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस साथ हमको चला है। बाकी मेनली हमको ना इसके कंपैरिजन में देखना है कि पिक्सल कैसी परफॉर्मेंस देता है, तो इसमें भी कर रहे हैं सिमिलर TDM का मैच स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग के ऊपर। और भाई उसके जायरोस्कोप के बारे में बताना भूल गया था, जायरोस्कोप सेंसर एकदम एक्टिव है, प्रॉपरली वर्क करता है, कोई डिले नहीं है। आईफोन 13 के अंदर भी मैच हमारा कंप्लीट हुआ है विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप, विदाउट एनी लैग्स और विदाउट ब्राइटनेस ड्रॉप, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया बात है। तो अब फाइनली जो मेन फोन था वो आ चुका है पिक्सल 6 प्रो, देखते हैं दोनों के मुकाबले कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहने वाली है। सेम TDM का मैच स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग के ऊपर, इसके अंदर भी जायरोस्कोप सेंसर काफी ज्यादा एक्टिव है, एकदम प्रॉपरली वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलर मेरे को लगा है आईफोन के जैसा ही, मतलब उसके हद तक ही सिमिलर परफॉर्म करता है ये, बस स्पीकर थोड़े से कम लाउड है इसके अंदर, इसके अंदर भी आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं बट आईफोन 13 13 प्रो मैक्स से थोड़े से कम लाउड है। और इसके अंदर आपको इनबिल्ट वाला FPS मीटर भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको FPS शो होते रहेंगे यहाँ पे।
एग्जिट ही मरवा दी यार बंदे तो। तो इसके अंदर भी मैच कंप्लीट हो गया और विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स के इसके अंदर भी मैच चला। बट आईफोन 13 और 13 प्रो मैक्स ना हल्के से भी वार्म तक नहीं हुए, ये हल्का फुल्का वार्म हो गया है, ज़्यादा हीट वीट नहीं कह सकते, हल्का फुल्का वार्म हुआ है बस। बाकी अगले मैच हम क्लासिक वगैरह से टेस्ट करने वाले हैं, अभी जो परफॉर्मेंस मिली है ना उसके हिसाब से भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चल रहा है और कॉम्पिटिशन दे रहा है अपने फुल 13 प्रो मैक्स और 13 को भी। अरे बाबा यहाँ से तो प्रीमियम क्रेडिट खरीदने का हटा दिया, मतलब अब प्रीमियम क्रेडिट नहीं आएगी। और ये जो हमने जमा कर रखा, तो अभी हम ना क्लासिक के मैच तो स्टार्ट कर रहे हैं बट अभी सेटिंग्स को हम ना अप करने वाले हैं और मैक्स सेटिंग पे इनके मैच खेलने वाले हैं जो कि अल्ट्रा एच डी प्लस अल्ट्रा की है आईफोन 13 के अंदर, क्योंकि भाई ये फ़ोन ऐसे हैं जो कि स्मूथ सेटिंग पे फ्रेम ड्रॉप्स करने से रहे, तो इनको थोड़ा नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा इनकी टेस्टिंग को। बाकी रेंगल का मैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जब अल्ट्रा एच डी प्लस अल्ट्रा पे हम इसको करते हैं पर इसके अंदर ना परछाई नहीं दिखती, एच डी आर एक्सट्रीम पे जब हम खेलते हैं तब परछाई वरछाई दिखती है, पर सेटिंग्स तो अब हुई है काफ़ी ज़्यादा, टेक्सचर वगैरह पूरा देखने को मिल गया है और 40 FPS हो गया है अभी। तो भाई डैड पैड लैंडिंग करते हुए देख लेते हैं एक बार, अभी तो बढ़िया चल रहा है फोन हमारा। आ गए बंदे, पीछे भी आ गए बे, गया। अबे ब्रेड ने ड्रॉप करे पढ़ाई, कुत्ता बना गया। तो 13 के अंदर भी मैच हमारा कंप्लीट हुआ और फ्रेम ड्रॉप्स तो नहीं हुए पर ब्राइटनेस इसके अंदर ड्रॉप देखने को मिल गया हमको, इसकी थोड़ी सी बेकार चीज़ लगती है कि ब्राइटनेस ड्रॉप फट जल्दी कर दे लेता है। बाकी अभी इसका टेम्परेचर चेक करें कि मैक्स सेटिंग पे खेलने के बाद कितना हो चुका है, अभी 37.8 चल रहा है फ्रंट से मैक्स, बैक से भी 37.7 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 38 डिग्री टच हुआ है, बाकी ज़्यादा हीट नहीं है, एकदम हल्का फुल्का वार्मिंग देखने को मिल रहा है बस। तो नेक्स्ट मैच कर लेते हैं अपन 13 प्रो मैक्स के अंदर, इसके अंदर भी सिमिलर अल्ट्रा एच डी प्लस अल्ट्रा की सेटिंग हम रखने वाले हैं। तो ग्राफिक इसकी भी अप हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा पर इसके अंदर ना थोड़ा चौंधा चौंधा ज़्यादा पड़ गया है, टेक्सचर वगैरह तो इसके अंदर भी बढ़िया है, परछाई इसके अंदर भी नहीं आई। तो इसमें भी जंप करते हैं, फ्रेम ड्रॉप तो नहीं है, जॉयस्टिक हाथ में नहीं आई, पर हमें मारोगे तुम, मचैटी मार दिया सुतरी को, अरे बाप रे बाप, वापिस आ गया नीड, अरे यहीं पे ही है, ये ले खत्म, ये तो टिकटॉकर थे, आ जा इधर लूट ले, है बहुत सारी लूट, शॉटगन पड़ी है, बोट है वो तो, उतर जाए क्या और होंगे, आ गए बंदे, नहीं क्या मजाक है, हमें मारोगे तुम, मर गया बस, सुतरी का पीछे भी है, वाह बेड़े। तो अभी 13 प्रो मैक्स के अंदर भी मैच हमारा कंप्लीट हो गया अल्ट्रा एच डी प्लस अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स और भाई 13 प्रो मैक्स ने ब्राइटनेस को भी ड्रॉप नहीं करा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस साथ अपना चल रहा है। और एक बार टेम्परेचर चेक करें कितना पहुंचा है इसका मैक्स, तो 13 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा हीट यहाँ पे देखने को मिला है, 40.8 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 40.9 ऑलमोस्ट 41, बैक से चेक करते हैं, बैक से 41.8 चल रहा है, तो अपने टेस्ट के अंदर 42 डिग्री पहुंच चुका है भाई। बाकी अगला मैच अपना पिक्सल 6 प्रो के अंदर कर रहे हैं और जो इसकी सेटिंग है ना मैक्स एच डी आर प्लस अल्ट्रा की, तो इसी के ऊपर हम इसको रखने वाले हैं और क्लासिक का मैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी भाई ग्राफिक सेटिंग की बात करें ना तो आईफोन 13 और 13 प्रो मैक्स दोनों से ज्यादा बढ़िया ग्राफिक सेटिंग इसने अब करी है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वापस मेंटेन हो गया।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेडो वगैरह पूरा अच्छे से दिख रही है अपने करेक्टर की, टेक्सचर वगैरह भी पूरा अच्छे से है, और जो ग्राफिक सेटिंग है ना HDR अल्ट्रा की, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेटिंग्स मेरे को लगी है इसकी, और दोनों से बेटर भी लगी है। हाँ वो बात ठीक है भाई, HDR एक्सट्रीम पे वो दोनों शेडो अनेबल करते हैं, बट अल्ट्रा HD+ अल्ट्रा पे भी करनी चाहिए थी उनको, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पिक्सल अपना बाजी मारते हुए। तो भाई अभी जंप करते में देखते हैं, तो फ्रेम ड्रॉप इसने भी नहीं करे, कॉन्स्टेंट 40 FPS दे रहा है। हाँ उतार दिया, ये हलवा बांट दो तुम। तो तरीके सवा भी आ जाओ। भसड़ में हमारी एंट्री, धूम धूम सर चढ़ी है, धूम 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 बना दो भाई तुम यहाँ। कुछ तो ना दिए, जाने नहीं दिया। अरे बाप रे बाप, सलमान भाई जान आ गए हैं, सलमान भाई जान के भक्त। कोई बात नहीं भाई, इसके अंदर भी मैच कंप्लीट हो गया, और इसने भी 40 FPS काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखा। एक एक आध बार फ्रेम ड्रॉप्स हुए थे लॉबी में हुए, वो तो लॉबी की अलग बात होती है, बाकी फाइट वगैरह में ना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हमको देखने को नहीं मिले। काफ़ी ज़्यादा सही मैच चलाया। एक बार टेम्परेचर इसका भी चेक करें, फ्रंट से 38.9 मैक्स पहुँचा है, 39, बैक से 38.8 है भाई मैक्स, सही है। आईफोन के मुकाबले तो हीट नहीं हो जाता, 39 हुआ है। सबसे ज़्यादा कम हीट अपना iPhone 13 हुआ है, और सबसे ज़्यादा हीट अपना iPhone 13 Pro Max हुआ है। तो ठीक है भाई, हीटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही है, ज़्यादा हीट भी नहीं होता फ़ोन। नए चिपसेट की वजह से काफ़ी लोगों के मन में ख्याल होंगे कि भाई हीट हो जाएगा, तो हीट वगैरह वाला कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा हीट अपना iPhone 13 Pro Max हो जाता है, और भाई परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिली है इससे मेरे को, कोई भी दिक्कत नहीं आई है मेरे को। और 40 FPS पे गेमिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करी इसने मैक्स सेटिंग के ऊपर, और स्मूथ सेटिंग पे तो भाई फ्रेम ड्रॉप्स करता ही नहीं है, मैक्स सेटिंग पे भी नहीं करता वैसे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी काफ़ी टाइम हमको हो गया है, ऑलमोस्ट 2 घंटा होने वाला है, जैसे कि देख सकते हो रिकॉर्डिंग होते हुए भी 1 घंटा 50 मिनट होने वाले हैं। तो 2 घंटे की गेमिंग के बाद का ये जो सारा मैं आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह बताऊंगा, तो अभी सबकी होम स्क्रीन पे हम चल लेते हैं। बैटरी की वगैरह की बात करें ना, तो पिक्सल के अंदर 55% बैटरी हो गई, 87% पे हमने इसको स्टार्ट करा था, और 67% बैटरी iPhone 13 के अंदर, 64% बैटरी iPhone 13 Pro Max के अंदर। तो बैटरी ड्रॉप की बात करें जाए ना, तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन हमको देखने को मिला है पिक्सल 6 Pro के अंदर। इसके अंदर भाई 2 घंटे की गेमिंग के बाद 32% बैटरी ड्रॉप हुई है। iPhone 13 की बात करिए तो 67 इसके अंदर बैटरी है, तो इसके अंदर 20% बैटरी ड्रॉप हुई है 2 घंटे गेमिंग के बाद, और 64% बैटरी iPhone 13 Pro Max के अंदर, तो इसके अंदर 23% बैटरी ड्रॉप हुई है 2 घंटे गेमिंग के बाद। तो भाई सबसे ज्यादा तगड़ी बैटरी जो चली है ना, अभी तो iPhone 13 की चली है, काफी तगड़ा चलता भाई iPhone 13 अपना, और सबसे ज्यादा ड्रेन पिक्सल ने कर लिया है। पर कोई दिक्कत नहीं भाई, गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसके अंदर गेम वगैरह खेलने में, और कोई भी लैग शटर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेम चलाई। बैटरी वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जो फ़ोन का डिज़ाइन वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, कर्व डिस्प्ले वगैरह के साथ आता है, और बैक में भाई जो कैमरा पंप है ना आईफोन से ज़्यादा तगड़ा भाई ये लगता है। बाकी यार अगर मैं आपको इनमें से रेकमेंड करूँ फ़ोन, तो मेरी तरफ से ना आपको iPhone 13 और पिक्सल 6 Pro दोनों फ़ोन रेकमेंडेड रहने वाले हैं। बट अगर आप पिक्सल 6 Pro इंडिया में मिलता नहीं, अगर आप बाहर से इंपोर्ट करके मंगाओगे, तो भाई आपको वैसे फ़ोन की जो प्राइस है वो 80,000 रुपये, पर आपको बाहर से इंपोर्ट वगैरह करने में 1 लाख रुपये का फ़ोन पड़ जाएगा। तो उस हिसाब से भाई फ़ोन को जज करना है 1 लाख रुपये के हिसाब से, और नया प्रोसेसर है और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी चीज़ इसके अंदर आप कर सकते हो। और भाई काफ़ी सारे लोगों को ना पसंद नहीं होता iOS वगैरह, तो आप यहाँ पे एंड्रॉइड के मज़े ले सकते हो फ्लैगशिप में फुल, और एंड्रॉइड 12 के साथ ही आता है, तो एंड्रॉइड 12 के भी मज़े आप ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगता है भाई मेरे को एंड्रॉइड 12, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया फीचर भी इसके अंदर है। बाकी भाई डिज़ाइन वगैरह के मामले में ना आईफोन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है फ्लैट एजेस की वजह से, बाकी यहाँ पे अपना पिक्स
पिक्सल 6 प्रो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबली हाथ में सेट हो जाता है। और बाकी जो पिक्सल का एक्सपीरियंस है ना वो काफी ज्यादा तगड़ा है भाई। तो बाकी भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के अंदर मजा आएगा। और भाई वीडियो के अंदर ना 2 घंटे की मेहनत लगी है, अभी एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी तो और डबल मेहनत हो जाएगी। तो उसके लिए जरूर से आप वीडियो को लाइक कर देना भाई, 10,000 लाइक का टारगेट है अपनी इस वीडियो के अंदर। और बाकी 1.5 लाख सब्सक्राइबर अभी फटाफट से करवा दो भाई चैनल के ऊपर इस वीडियो के बाद। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।